मोदी कैबिनेट में किसको क्या पद प्राप्त हुआ है। अमित शाह जी को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह को, फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन जी को, रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी जी को, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है वो आपके श्री राम मोहन नायडू जी को मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री स्टील की बात करूं तो HD कुमारस्वामी जी को मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज की बात करूं सर्वानंद सोनोवाल जी को मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME जीतन राम मांझी जी को मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की बात करूं हरदीप पुरी को मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल को मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी को मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स की बात करूं तो प्रहलाद जोशी को मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ आपके एक्सटर्नल अफेयर्स बात करें तो जयशंकर जी को मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो मनसुख मंडाविया जी को मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अश्विनी वैष्णव जी को मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर शिवराज सिंह चौहान को मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चिराग पासवान को मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली JP नड्डा जी को मिला है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री गिरिराज सिंह जी के हाथ में, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करूं तो आपसे अन्नपूर्णा देवी जी के पास में, एनवायरमेंट भूपेंद्र यादव जी के पास में, स्किल डेवलपमेंट जयंत चौधरी जी के पास में, और इसके अलावा हाउस अफेयर मिनिस्टर आपके मनोहर लाल खट्टर होंगे, और पंचायती राज मिनिस्टर हमारे ललन सिंह होंगे, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री वीरेंद्र सिंह होंगे, और जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है गजन सिंह शेखावत होने वाले हैं, और पार्लियामेंट अफेयर्स की बात करूं किरण रिजिजू होंगे। जय हिंद।